Yes, good afternoon students. Welcome to online classes of Lyal Public School. Today we will discuss our GK chapter number 11 and 12. Okay, so let's start. Chapter name is Natural Wonders of the World. Identify these natural wonders of the world. First one is, it is the largest cave in the world. It is over 200 meters wide and 150 meters high and 9 kilometers long. It has the capacity to fit a 40-story skyscraper inside. It is located in Vietnam. Okay, यहाँ पर हम एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट केव के बारे में बात कर रहे हैं. एंड इसका जो ये 200 मीटर वाइड है, चौड़ी है. ओके, 150 मीटर हाई एंड 9 किलोमीटर लॉन्ग ये केव है. ओके, एंड इस केव का कैपेसिटी इतना है कि इसमें एक 40-story जो बिल्डिंग होती है, ओके, 40-story skyscraper जो बिल्डिंग होती है, लॉन्ग जो बिल्डिंग होती है, ओके, वो इसके अंदर फिट हो सकती है. ओके, इसकी कैपेसिटी इतनी है इस केव की. एंड इट इज लोकेटेड इन वियतनाम. कहाँ लोकेटेड है ये? वियतनाम में. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस केव? दैट इज सॉन डोंग केव. ओके, क्लियर? सॉन डोंग केव. नेक्स्ट वन इज, इट इज अ हार्बर लोकेटेड इन ब्राजील. इट वॉज क्रिएटेड बाय इरोजन फ्रॉम द अटलांटिक ओशन and is also known as Guanabara Bay. Okay, harbor means bandarga jise hum kehte hain. Okay, place for ships. Okay, jahan par ship jo hain apna shelter find karte hain, that is called harbor. Okay, and it was created by erosion from the Atlantic Ocean. Okay, Atlantic Ocean mein jo land hai uske erosion ki wajah se, soil ke erosion ki wajah se wahan par ye jo harbor hai create hua hai. And it is also known as the Guanabara Bay bhi ise hum kehte hain. This harbor is surrounded by beautiful granite monolith mountain. Okay, and जो ये harbor है ये किससे घिरा हुआ है? इसके surrounded क्या है? Beautiful granite monolith. Okay, monolith means क्या होता है? One single जो stone है. Okay, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर rocks आपको दिखाई दे रही हैं. Okay, यहाँ पर ये रॉक से क्या है, पूरा माउंटेन जो है इसके सराउंडेड ग्रेनाइट से बनी हुई यहाँ पे माउंटेन्स हैं. विजिटर्स आल्सो सी सेवरल आइलैंड नियर बाय इंक्लूडिंग गवर्नर आइलैंड, फुंडाओ एंड स्नेक आइलैंड. ओके, एंड इसी जो हार्बर है इसके सराउंडिंग में यहाँ पे जो विजिटर्स हैं वो इसके नियर बाय जो आइलैंड है वहां पर भी विजिट करने के लिए आते हैं. ओके, लाइक गवर्नर आइलैंड, फुंडाओ एंड स्नेक आइलैंड. ओके, दीज आर नेम ऑफ आइलैंड्स. And what is the name of this harbor? Harbor of Rio de Janeiro. Clear? Next is, it is a system of waterfalls that comprises 275 independent falls. It is spread over 2.7 kilometer and is wider than the Victoria Falls. Okay, ये क्या है यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं? एक फॉल की बात कर रहे हैं. ओके, एंड ये 275 इंडिपेंडेंट जो फॉल्स है, ओके, वो आपस में कंबाइन होकर मिलकर पूरा ये सिस्टम बनाते हैं. ओके, कंप्राइजेस ऑफ 275 इंडिपेंडेंट फॉल्स से मिलकर ये पूरा वॉटरफॉल का सिस्टम यहाँ पर सेट किया गया है. ओके, एंड इट इज स्प्रेड ओवर 2.7 किलोमीटर. ओके, ये 2.7 किलोमीटर में फैला हुआ स्प्रेड है. एंड विक्टोरिया फॉल से भी क्या है ये? वाइडर है. ओके, उससे भी ज्यादा चौड़ा है. द फॉल्स आर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ ब्राजील एंड अर्जेंटीना एंड आर नॉट फार फ्रॉम प्रागवे. ओके, एंड जो ये फॉल है कहाँ लोकेटेड है? ब्राजील एंड अर्जेंटीना का जो बॉर्डर है वहां पर ये लोकेटेड है. एंड ये प्रागवे से भी ज्यादा दूर नहीं है. क्लियर? And what is the name of this falls? Iguazu Falls. Clear? Now next one is, these are naturally occurring lights that create a wonderful display in the sky. Okay? And यहां पर हम जिन lights की बात कर रहे हैं ये naturally होती है. Okay? Naturally occur करती हैं ये lights और sky में एक ये बहुत ही wonderful display करती है, बहुत ही अच्छी हमें sky में show होती हैं. They are also known as the northern lights. Okay? And इन lights को हम क्या कहते हैं? Northern lights भी कहते हैं. See in the picture. Okay? तो ये naturally occur होने वाली light हैं, अपने आप due to nature की वजह से ये occur होती हैं sky में. और देखिए कितना wonderful ये display कर रही है ना यहाँ पर sky में. एंड इन लाइट्स को हम नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं. व्हेन सीन बाय द नेक्ड आईज दिस लुक लाइक वेव्स अक्रॉस द स्काई. ओके, एंड जब हम इन्हें नेक्ड आईज से खुली आंखों से इसे देखते हैं तो ये ऐसा लगता है हमें कि जैसे स्काई में जो वेव है लहरें हैं. ओके,
वो आकाश में sky में हमें seen होती है. This amazing sight appears as if the lights are dancing in the sky. Okay, and ये जो amazing sight है, ये जो scene है, ये हमें कैसा show होता है? जैसे कि जो lights हैं वो sky में क्या कर रही है? Dance कर रही है. These lights are mostly seen in Arctic and Antarctic region. Okay, and जो lights हैं ये mostly Arctic and जो Antarctic region है वहां पर show होती है. And this is aurora borealis. Okay, aurora are the result of disturbance in the magnetosphere caused by solar wind. Okay, जो solar wind है वो किसको disturb करती है? मैग्नेटो जो स्फीयर है उसको वो डिस्टर्ब करती है. उसकी वजह से ही हमें जो ये अरोरा बोरियलिस है या फिर ये जो लाइट्स हैं यहाँ पर नॉर्दर्न लाइट्स जिसे हम कहते हैं ये सीन होती है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इट इज अ वोल्केनो इन मिचोआकान ओके मैक्सिको. By 1952, the volcano left a 424-meter high cone and significantly damaged a 233-square-kilometer area with the discharge of stone, ash, and lava. Clear? So, ये volcano जो है, that is Michoacán, Mexico में located है, and 1942 में जो volcano है, ये activate हुआ था, okay? जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, ये activate हुआ था, okay? And इसमें से stone, ash and lava, जो कि hot molten rocks होती हैं, okay? And stone और ash का जो इसने discharge throughout किया था, इस volcano ने 442 मीटर हाई था, ओके okay? वो जो डिस्चार्ज इसने थ्रू आउट किया था एंड इसने बहुत ही बैडली किसे कितने 233 स्क्वायर जो किलोमीटर है उसे डैमेज किया था, ओके okay? नुकसान पहुंचाया था. ओनली टू पीपल वर किल्ड बाय द लाइटनिंग इट प्रोड्यूस्ड बट टू टाउन्स वर कंप्लीटली इवैक्यूएटेड एंड बुरिड बाय लावा एंड थ्री अदर्स वर हैविली अफेक्टेड ओके. एंड ये जो वोल्केनो ने जब यहाँ पे वोल्केनो ने अपना डिस्चार्ज थ्रू आउट किया था तो उससे जो लाइटनिंग प्रोड्यूस हुई थी उससे ओनली जो टू पीपल हैं वो किल्ड हुए थे उस लाइटनिंग से बट टू जो टाउन्स हैं वो कंप्लीटली उन्हें क्या करवाया गया था वहां से खाली करवाया गया था. वहां जितने भी रहने वाले लोग हैं उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया था ओके बिकॉज वो बुरिड हो गए थे लावा की वजह से. वे पूरी तरह से लावा में क्या हो गए थे? दब गए थे. एंड थ्री अदर्स वर हैवली अफेक्टेड ओके. एंड जो थ्री अदर टाउन है वो भी बहुत बुरी तरह से उससे क्या हुए थे? अफेक्टेड हुए थे ओके. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वोल्केनो? दैट इज पुरालिकुली ओके. Now, next one is, this forest is a group of curve-shaped pine trees, okay? See in the picture में भी देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये जो forest है, यहाँ पर pine के trees हैं, but groove is a small areas of tree, okay? यहाँ पे जो trees हैं, वो यहाँ पर आपको बहुत सारे seen हो रहे हैं, okay? These are pine tree and it is located in Poland. ये कहाँ पर located है? पोलैंड में. देर आर अराउंड 400 सच पाइन ट्रीज इन द फॉरेस्ट. एंड इस फॉरेस्ट में 400 एंड जो ट्रीज हैं पाइन ट्री वो इस फॉरेस्ट में लोकेटेड हैं. दे वर प्लांटेड इन 1930 एंड उन्हें कब प्लांटेड किया गया था? 1930 में. टू डेट नोबडी नोज व्हाट रियली हैपेंड टू दीज पाइन ट्रीज बट वन स्पेकुलेशन सीम्स रिलायबल दैट सेज स्नो स्टॉर्म कुड हैव knocked the trees like this because they happened quite often at that place. Okay, 1930 में इन trees को यहाँ पर planted किया गया था, but जब से जिस date से इन्हें planted किया गया तब से लेकर अब तक कोई भी नहीं really नहीं जानता है कि इन trees के साथ में क्या हुआ. Okay, देखिए trees का जो shape है, हमें जो इसका stem का shape है, ये कैसा दिखाई दे रहा है? यहाँ पे curved shape दिखाई दे रहा है ना. तो ये किसी को भी इसका आइडिया नहीं है कि रियली वास्तव में इन ट्रीज के साथ में क्या हुआ है, बट ये एक अनुमान लगाया जाता है कि जो स्नो स्टॉर्म है, आइस के जो स्टॉर्म आते हैं, तूफान आते हैं, ठीक है, बर्फ के जो तूफान आते हैं उसकी वजह से ये जो पेड़ हैं उनका जो स्ट्रक्चर है या जो शेप है वो इस तरह से चेंज हो गया. ओके, मीन्स वो तेज जो स्नो स्टॉर्म्स आती हैं, ओके, उसकी वजह से जो इसका स्टॉर्म का शेप है ये इस तरह से कर्व्ड हो गया. ओके, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस? क्रूक्ड फॉरेस्ट. ओके, क्रूक्ड मीन्स कर्व्ड. ओके, बिकॉज यहाँ पर जितने भी ट्रीज हैं उनका जो स्टॉर्म है दैट इज शेप इन कर्व्ड शेप में ना, सो दैट्स व्हाई इस फॉरेस्ट को हम क्रूक्ड फॉरेस्ट कहते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइस केव. द केव इज पार्ट ऑफ पोचकोगेल
माउंटेन इन ऑस्ट्रिया. ओके, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट आइस केव है ये. ओके, एंड ये ऑस्ट्रिया में हर्शोगेल जो माउंटेन है ये केव वहां का पार्ट है. ओके, इट वॉज क्रिएटेड बाय सॉलजर्ज रिवर. ओके, एंड ये किसके द्वारा क्रिएट की गई है? सॉलजर्ज जो रिवर है उसके द्वारा इसे क्रिएट किया गया है. द स्नो मेल्टेड एंड ड्रेन इन टू द केव एंड फ्रोज ड्यूरिंग द विंटर. ओके, जो स्नो है बर्फ है वो मेल्ट होकर इस केव में जाती है, गुफा में जाती है. ओके, एंड ड्यूरिंग विंटर से स्नो वहां पर क्या हो जाती है? फ्रोजन हो जाती है, जम जाती है. द टेम्परेचर एंड कोल्ड विंड फ्रॉम इनसाइड प्रिजर्व द आइस इन द केव थ्रू आउट द ईयर. ओके, एंड वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही लो होता है. ओके, एंड जो ठंडी हवाएं हैं वो क्या करती हैं? इस आइस को थ्रू आउट द ईयर इसमें केव में स्टोर करके रखती है. क्लियर? It is the largest ice cave in the world, extending more than 42 km and is visited by about 2 lakh tourists every year. Okay, and ये largest cave है world की. Okay, and इसका जो extension है ये 42 km जो area है उसमें फैली हुई है. Every year 2 lakh जो tourists हैं वो इसे visit करने के लिए आते हैं. Clear? And what is the name of this cave? इस cave का name क्या है? That is Harrisonveld Cave. Okay, Harrisonveld Cave इस cave का name है and इसे 2 lakh जो tourist हैं every year वो visit करने के लिए आते हैं. Clear? Now next is chapter number 12, famous official resident. Find out the names of these famous official residents. First one is, it is the official residence of the President of India. Okay, जो government job में है. Okay, official उनके residence हैं, जो अधिकारी होते हैं high post पे जो होते हैं. Okay, किसी भी country में उनके जो residence हैं वो जहाँ भी रहते हैं. Okay, जो उनका place है उनके बारे में हम यहाँ discuss कर रहे हैं, उनके जो world के जो famous official residence हैं. तो India का जो President है उनका जो official residence है that is राष्ट्रपति भवन. Okay. Next one is, it is the official residence of the Prime Minister of the UK. Okay, United Kingdom के UK के जो Prime Minister हैं, उनका जो official residence है, that is 10 Downing Street. Okay. Now come to next one. It is the official residence of the President of France. Okay, France के residence का official president का जो official residence है, that is Elysee Palace. Okay. सीन द पिक्चर, ये जो पैलेस है इसका नेम है एलिजी पैलेस और ये फ्रांस के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस है. नेक्स्ट वन इज, इट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए. ओके, दैट इज व्हाइट हाउस. यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उनके जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उनका उसका नेम क्या? दैट इज व्हाइट हाउस. नाउ नेक्स्ट वन इज, इट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ द यूके. यूके की जो रॉयल फैमिली है उनका जो ऑफिशियल पैलेस है और या फिर रेजिडेंस है दैट इज बकिंगम पैलेस. नेक्स्ट, इट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द पोप. ओके, पोप क्या है? रोमन, जो रोम है वहां का जो रोमन कैथोलिक चर्च होते हैं उनका जो हेड होता है. ओके, दैट इज पोप और बिशप हम उसे कहते हैं, उनका ऑफिशियल रेजिडेंट है दैट इज वेटिकन. क्लियर? Now next question, find out how many rooms are there in the Rashtrapati Bhavan. So in Rashtrapati Bhavan there are 4 floors and 342 rooms. Okay, so I hope you all understood about chapter number 11 and 12. Okay, now I am going to finish this topic. We will meet in our next class.